डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम बात करेंगे संकरण। संकरण कितने प्रकार का होता है और विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड्स हैं उनका संकरण किस प्रकार से निकाला जाता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले संकरण किस किस टाइप का होता है उस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला होता है एसपी संकरण, एसपी टू संकरण, एसपी थ्री, फिर इसके बाद में डी एसपी टू, एसपी थ्री डी, SP3 B2 SP3 B3। जैसा कि पिछला वीडियो लेक्चर में हमने संकरण के नियमों के अंतर्गत एक नियम डिस्कस किया था कि अगर किसी संकरण को दर्शाना हो तो उस संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या को हम सुपरस्क्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे विभिन्न प्रकार के जो संकरण हैं उसमें भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या को सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है। यहाँ पे एस की संकरण का मतलब है ये जो संकरित कक्षक बने हैं, एस की संकरित कक्षकों का निर्माण हुआ है, वो एक एस और एक पी ऑर्बिटल के संकरण से इस संकरित कक्षक का निर्माण हुआ है, ओवरलैपिंग से इसका निर्माण हुआ है। तो देखिए, इसके फलस्वरूप संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। और यहाँ पे देखिए, अगर ये प्लस है तो इसका जो पी ऑर्बिटल का जो तरंग फलन का जो प्लस चिन्ह वाला जो लोब है उसको हम इस एस ऑर्बिटल की तरफ रखेंगे। ये एस ऑर्बिटल है, ओके। तो जब इसमें ओवरलैपिंग होगी तो दो ऑर्बिटल्स बनेंगे। देखिए, ये दो ऑर्बिटल्स हैं। देखिए, ए एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है जिसका एक लोब बड़ा है और दूसरा लोब छोटा है। दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ये एसपी हाइब्रिड है। अब देखिए, संकरित कक्षक, इसमें दो संकरित कक्षक हैं, कितने हैं ये, दो। और संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या भी कितनी है, दो, ठीक है। ये जो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये मोर डायरेक्शनल है, मोर डायरेक्शनल। मोर डायरेक्शनल का मतलब देखिए, मोर डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, देखिए, सपोज करिए ये एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको आप कहेंगे ये मोर डायरेक्शनल है। यहाँ पे देखिए, ये जो लोब है, ये जो बड़ा लोब है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस संकरित कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रायिकता है इस साइड से ज्यादा है, यानी इधर ज्यादा है, इधर कम। और जब ऐसी स्थिति होती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एक साइड में ज्यादा होती है तो उस साइड से अगर हम बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग ज्यादा होगा, ठीक है। जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का निर्माण करते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करिए, एसपी संकरित कक्षक का हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बीईएच2, ठीक है।
बेरिलियम हाइड्राइड। इसमें देखिए सबसे पहले जब हमें किसी कंपाउंड का संकरण निकालना होता है तो पहला काम होता है कि उस कंपाउंड के केंद्रीय परमाणु का चयन कीजिए, यानी जो केंद्रीय परमाणु है उसको आप अलग कर लीजिए। फिर उसके बाद में उसका जो मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखिए। तो इसका मूल अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 होता है, ठीक है। फिर इसका ऑर्बिटल जो है ऑर्बिटल के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करके देखिए। तो देखिए ये 2s है और ये 2p है, तो 2s के दो इलेक्ट्रॉन है, 2p कंप्लीट रूप से खाली है। अगला स्टेप देखिए, क्योंकि बेरिलियम के साथ में दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, या बेरिलियम के साथ में दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाने हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो मूल अवस्था है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ग्राउंड स्टेट में ये कंपाउंड फॉर्मेशन करने की स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जब सहसंयोजक बंध डिस्कस किया था, सहसंयोजक बंध के बारे में हम जो सामान्य जानकारी हमने जो प्राप्त की थी उसमें एक बात का जिक्र हमने किया था कि सहसंयोजक बंध के निर्माण में दो परमाणु से समान संख्या में इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती है, शेयरिंग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में देखिए अगर ये कक्षक ओवरलैपिंग करेंगे, देखिए एस भरा हुआ है और 2p ऑर्बिटल के है खाली है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग होगी, तो जो सहसंयोजक बंध की जो मूल कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक इसमें बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं 2p ऑर्बिटल में भेज देते हैं। ओके, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब यहां पे एक एस ऑर्बिटल और दो ये जो एक पी ऑर्बिटल है दोनों आपस में संकरित होंगे, अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करेंगे, गुणों का मिक्सिंग होगा और उसके परिणाम स्वरूप दो कक्षकों का निर्माण होगा जिसको हम बोलेंगे एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात क्लियर हुई। यहां पे ये जो संकरित कक्षक हैं वो दो संकरित कक्षकों का निर्माण हुआ है, तो देखिए दो संकरित कक्षक ये बेरिलियम है, इसके चारों ओर दो संकरित कक्षक इस प्रकार से हम व्यवस्थित करेंगे कि उन कक्षकों के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर हम संक्षेप में ये कहें तो संकरित कक्षक दिखाई दे रहा होगा आपको, संकरित कक्षकों का त्रिविम में इस प्रकार से ठीक है, संकरित कक्षकों का त्रिविम में इस प्रकार से फैलाव होना चाहिए कि उनके मध्य कम से कम
कम से कम प्रतिकर्षण लगे। ठीक है, तो देखिए जब हम दो ऑर्बिटल्स को त्रिविम में अभिविन्यासित करेंगे या त्रिविम में व्यवस्थित करेंगे तो इसके बहुत सारी संभावनाएं हैं। ठीक है, संकरित कक्षकों को जब हम त्रिविम में व्यवस्थित करते हैं, 3D में व्यवस्थित करते हैं, तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं होंगी। देखिए, सपोज करिए ये केंद्रीय परमाणु है, इसके चारों दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हमें व्यवस्थित करना है, तो ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं, ओके, ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं और ऐसे भी व्यवस्थित हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी संभावनाएं होंगी, उन सभी संभावनाओं में से हमें उस संभावना का चयन करना है जिसमें कम से कम प्रतिकर्षण लगे, और कम से कम प्रतिकर्षण के लिए है कि उनके मध्य दूरी अधिकतम हो, और दूरी अधिकतम के लिए केवल एक ही संभावना ऐसी है कि जब दोनों कक्षकों के मध्य बंद कोण 180 डिग्री का होगा तो दोनों कक्षकों के मध्य दूरी अधिकतम होगी। ओके, देखिए जब हम इसको और बढ़ाएंगे, 180 से ज्यादा बढ़ाएंगे तो ये कोण घट जाएगा। यही व्यवस्था ऐसी है जिसमें एक दोनों साइड से जो बंद कोण का मान है वो क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो संकरित कक्षक हैं उसका जो अगर हम त्रिविम में इसकी व्यवस्था देखें तो वो एक लीनियर व्यवस्था में हमें, लीनियर जो व्यवस्था है, लीनियर ज्योमेट्री है, उसमें एक स्थाई संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसकी ज्यामिति कैसी होती है, रेखीय। अब देखिए अगला स्टेप, ये जो संकरित कक्षक हैं, बेरिलियम के जो दो संकरित कक्षक हैं उसमें दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो हाइड्रोजन है उसके साथ में, हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल है उसके साथ में अक्षीय अतिव्यापन करेंगे। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s है। ठीक है, ये क्या सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ऑर्बिटल कौन सा है, sp ऑर्बिटल है, और ये भी ऑर्बिटल क्या है, sp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे संकरित कक्षक का जब हम s ऑर्बिटल के साथ में अतिव्यापन करवाएंगे तो अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा होती है तो बनने वाला जो बंध है वो भी मजबूत बनता है। ठीक है, तो देखिए ये बेरिलियम है और इसके चारों ओर दो हाइड्रोजन परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी हम ये कहें कि इसमें संकरण कौन सा है, sp संकरण। ये बात क्लियर हो गई होगी, sp संकरण हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जो sp2 संकरण है उसके बारे में, और उसका एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो sp2 संकरण है उसको निकाला जाता है, और जो sp2 संकरित कक्षक हैं उसका त्रिविम में किस प्रकार से हम उसको अभिविन्यासित करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।